दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। हेलो दोस्तों जी, हमारे पास एक VCR आया है जो कि सेल के लिए है। ये VCR पैनासोनिक कंपनी का है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है SJ3MK2। दोस्तों ये VCR है सुपर ड्राई VCR पैनासोनिक कंपनी का। अभी दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से स्विच मिलेंगे और इसमें आपको कौन कौन से फंक्शन दिए जाएंगे। दोस्तों इसके ऊपर आपको सबसे पहले पावर ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है और साथ में आपको इजेक्ट करने का स्विच दिया गया है। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में आपको इस साइड पे आपको इसका प्ले, रिवाइंड, फॉरवर्ड, स्टॉप और रिकॉर्डिंग का स्विच दिया गया है। दोस्तों इसमें आपको मैनुअल ट्रैकिंग की जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगी, ये फुली ऑटोमेटिकल डिजिटल ट्रैकिंग लेता है। दोस्तों बाकी VCR जो है एकदम साफ कंडीशन में VCR है ये भी, और ये सेल के लिए है। जिस किसी भाई को ये VCR चाहिए उसके लिए मेरे से बात कर सकता है और इस VCR को जो है परचेज कर सकता है। दोस्तों इसमें आपकी पाल और NTSC कैस्ट दोनों बहुत अच्छे से प्ले हो जाएगी, जो मल्टी सिस्टम पे वर्क करता है। दोस्तों अभी मैं आपके सामने इसकी जो है चारों साइड को दिखा देता हूँ। दोस्तों इसके ऊपर आपको जो हल्का सा स्क्रैच दिख रहा होगा, बाकी दोस्तों इसमें आपको चलने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हल्का सा स्क्रैच है इसकी बॉडी के ऊपर, वो मैंने आपको दिखा दिया है वीडियो में। इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दिक्कत नहीं है कोई, ये बस हल्का सा एक स्क्रैच लगा हुआ है। दोस्तों ये VCR होते तो काफी पुराने हैं। हाँ तो दोस्तों आपने इसकी चारों साइड तो देख ली होगी, कोई भी ब्रेकेज नहीं है और स्क्रैच भी नहीं है। हाँ तो दोस्तों अभी मैं आपके सामने इसका बैक साइड पैनल दिखा रहा हूँ। इस पे लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर पैनासोनिक NV SG3 MK2 AM। ये दोस्तों इसका मॉडल नंबर है, एकदम न्यू कंडीशन है, साफ सुथरी, और ये VCP नहीं है, ये VCR है। दोस्तों इसमें आपको रिकॉर्डिंग फीचर भी दिया गया है। हाँ तो दोस्तों और जैसे कि आपको मालूम है मैं अपनी हर एक वीडियो में VCR की इनसाइड को भी दिखाता हूँ, सो मैं इस वीडियो में भी आपको इसकी इनसाइड दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसका जो ऊपर वाला कवर है उसको निकाल दिया है और अभी आप इसकी इनसाइड भी देख सकते हो। इनसाइड है वो भी एकदम क्लीन है, साफ सुथरी कंडीशन है बिल्कुल। दोस्तों इस VCR की गाइडों के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल दिया है, उसकी वजह से आपको उसका निशान दिख रहा होगा। बाकी VCR जो है बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन VCR है बिल्कुल। अभी दोस्तों मैं आपके सामने इसमें कैसेट को प्ले करके भी दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपने VCR का जो सेटअप है वो अपनी LED के साथ में कर दिया है। हाँ दोस्तों जैसे कि मैंने इसकी पावर को ऑन किया है और अपनी इस कैसेट को इसके बीच में लगा रहा हूँ। दोस्तों मैंने इसका जो प्ले वाला स्विच है उसको प्रेस किया और इसका जो प्ले का साइन है कुछ इस तरह से आता है। हाँ तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसकी जो पिक्चर है बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी है इसकी। दोस्तों पैनासोनिक कंपनी का VCR कोई सा भी हो तो उसकी इसको पिक्चर क्वालिटी तो आपको मालूम है अच्छी होती ही है। दोस्तों अभी मैं आपके सामने इसकी थोड़ी सी ऑडियो को भी सुना देता हूँ। पहले मैंने इसकी ऑडियो को रिमूव किया हुआ था। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आपने इसकी ऑडियो भी सुन ली होगी, वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों ही बहुत शानदार है। दोस्तों ये जो VCR है ये होते तो काफ़ी पुराने हैं लेकिन इसकी कंडीशन जो है एकदम से साफ सुथरी है। अभी दोस्तों जैसे कि मैंने आपके सामने इसका जो स्टॉप वाला बटन है उसको प्रेस किया है और अपनी कैसेट को जो इजेक्ट किया है। दोस्तों जब आप इसकी कैसेट को निकालते हो हल्का सा इशारा करने की जरूरत है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने इस वीडियो में किया। जैसे जैसे दोस्तों ये VCR जो है रनिंग कंडीशन में आएंगे ये भी सही हो जाएंगे। अभी दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने इसकी इनसाइड को भी दिखा देता हूँ और अपने इस VCR को रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपके सामने इसमें कैसेट जो है वो लगाई है। और अपने इस VCR को अपने रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपके सामने अपने रिमोट कंट्रोल से इसको प्ले किया है और दोस्तों आप देख सकते हो जो प्ले की LED है वो ऑन हो गई है और इसकी जो पिक्चर है वो आप LED पे देख सकते हो। दोस्तों ये जो रिमोट कंट्रोल है ये आपको इसके साथ में नहीं दिया जाएगा, ये आपको अलग से परचेज करना होगा। बाकी दोस्तों VCR में कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं है, ये डिजिटल ट्रैकिंग लेता है। अगर आपकी कैसेट में हल्की फुल्की कोई ट्रैकिंग रहेगी भी तो ये ऑटोमेटिकली डिजिटल ट्रैकिंग लेता है। अभी दोस्तों मैं आपके सामने इस कैसेट को फॉरवर्ड करके भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में। अभी ये जो हमारी कैसेट है वो फॉरवर्ड हो रही है, ऐसे फॉरवर्ड का निशान आता है इसके ऊपर। और दोस्तों अभी मैंने आपके सामने इस कैसेट को जो है रिवाइंड किया है, इसका जो रिवाइंड और फॉरवर्ड का जो साइन है वो कुछ इस तरह से आता है। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। दोस्तों JVCR भी जो है वो सेल के लिए है, जो कोई इसको परचेज करना चाहता है वो इसके लिए मेरे से बात कर सकता है और इस VCR को जो है वो परचेज कर सकता है। दोस्तों आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, हम दोस्तों कुरियर के माध्यम से ये जो VCR है वो आपके पास में डिलीवर करवा देंगे। और दोस्तों इसके अलावा आप हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिसमें कि आपको ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके YouTube पे ही मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको एक बार फिर से दिखाया है, जब आपको ये कैसेट इजेक्ट करनी है हल्का सा इशारा करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।